जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में पिछले कुछ समय से जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे कि पूरे देश में एक जनाक्रोश है, खास तौर पे हमारी न्याय व्यवस्था को लेकर कि जब पूरे देश में सुशांत की मौत की जांच के लिए सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, उसके बाद भी क्यों आखिर इस चीज़ को सीबीआई को नहीं सौंपा जा रहा है और आखिर क्यों इस चीज़ में इतना विलम्ब किया जा रहा है। उसी बीच पिछले 8 दिनों से हमारे देश में एक और बात चल रही है, वो है विकास दुबे को लेकर। विकास दुबे जो कि यूपी का एक कुख्यात गैंगस्टर है, जिसके सर के ऊपर करीब करीब 60 मामले दर्ज हैं। संतोष शुक्ला जो कि एक मंत्री रह चुके हैं, उनको उसने थाने में घुस के उनकी हत्या करी थी। तब से वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था, कई तरह की सरकारों से उसकी साठगांठ रही है। और देखिए बेसिकली क्या है कि मैं इस मौत के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि ये तो होना सही था, क्योंकि जिस तरीके से उसने हमारे यहाँ के पुलिस बल को मारा था, 8 पुलिसकर्मियों की उसने नृशंस हत्या करी थी, उसके लिए इससे कम वैसे भी कुछ नहीं जायज़ है। क्योंकि आप एक बार उन पुलिस वालों के घर वालों से जाके बात करिए तो आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ से वो लोग कितने खुश हैं। बहुत अच्छा हुआ योगी जी ने कहा भी था कि 7 दिन के अंदर अंदर उनको ये या तो ये जिंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए। उनकी तो सारी बातें सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो घटनाक्रम घटित हुआ है इसके बाद कि किस तरीके से वो कानपुर से भाग के दिल्ली फरीदाबाद पहुँचा, फिर फरीदाबाद से वो किस तरीके से जयपुर पहुंचा, जयपुर से किस तरीके से फिर वो उज्जैन पहुंचा, और उज्जैन के महाकाल मंदिर में आके वो इस तरीके से घूमता हुआ दिखा कि मानो बस उसको कोई वो ही नहीं था कि नहीं मुझको कोई देख लेगा पकड़ लेगा, उसको कोई इस बात का कोई फिक्र नहीं थी। वहाँ पर उसके वीडियो बनाए गए, उसकी फ़ोटोज़ खींची गई, जैसे कि वो एक आदमी को अपने साथ लेके घूम रहा था जो कि ये प्रूफ कर सके कि वो यहाँ पर निहत्था होकर यहाँ पर घूमने के लिए आया था, भगवान के दर्शन करने के लिए आया था सावन सोमवार के समय। तो ये सभी कुछ चीज़ें एक स्क्रिप्ट की तरह दिखाई देती हैं, क्योंकि हमारे देश में कोई भी चीज़ अगर सीधी साधी हो जाए तो गले से उतरना बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है। और इस केस में आप खुद ही देखिए कि आप बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस बात का यकीन करना कि उस व्यक्ति को पहली बात तो वहाँ से गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि वो गिरफ्तारी कम सरेंडर ज़्यादा लगता था। दूसरी बात, जिस तरीके से उसने वहाँ पर खड़े होकर चिल्लाया था कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, उससे ये वो शायद ये चीज़ कंफर्म करना चाहता था कि मीडिया में ये बात पता चल जाए कि हाँ विकास दुबे को गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा जान पड़ रहा है जिस तरीके से कि मैंने चीज़ों को देखा है कि जिन लोगों का उसके सर पे हाथ था उन लोगों का सब्र ख़त्म होता जा रहा था और वो ये चाहते थे कि अब ये पुलिस निगरानी में चला जाए। उन्होंने उसको भी यही आश्वासन दिया होगा कि आप पुलिस निगरानी में चले जाओ, वहाँ पर जाके हम आपको ज़्यादा सही तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं, जो गुंडागर्दी में लिप्त होते हैं, जो नेतागिरी में इस तरीके से लिप्त होते हैं कि अपनी रंगदारी से वो पार्टियों के लिए वोट जुटाते हैं, ऐसे लोगों के पास कई सीक्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े अफसरों के, बिजनेसमैन्स के कई सारे राज होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विकास के पास भी ऐसे कई लोग होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि विकास का मुंह खोले, क्योंकि विकास को पकड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। जिस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया था अपने घर पे 8 पुलिस वालों को मार के उसने अंजाम दिया था, उसके बाद उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, तो पकड़ा तो उसको जाना ही था। दूसरी बात, उज्जैन में जिस तरह से वो गिरफ़्तार हुआ, फिर वो जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके ऊपर देखिए सवाल उठाना तो गलत होगा, लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ें घटित हुई हैं वो चीज़ें कुछ हद तक सही लगी नहीं। सरकार के ऊपर भी उंगलियाँ उठी कि किस तरीके से कनेक्शन हो सकता है सरकार में बैठे कुछ लोगों से, इन सब चीज़ों से। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो दिखाई पड़ता है कि जो भी हुआ ठीक हुआ, कि उसको पकड़ा जाना सही था। लेकिन कई तरफ से ये बातें शुरुआत से ही उठना शुरू हो गई थी कि कभी भी ये खबर आ सकती है कि उसने भागने की कोशिश करी और उसको मार दिया गया, और वही खबर आज सुबह हम सभी के सामने आ भी गई, जब जिसमें ये खबर हमको दिखाई गई कि भैया विकास दुबे ने पिस्टल छीन के भागने की कोशिश करी, जैसी गाड़ी पलटी और हमने उसको फायर में मार डाला। इस तरह की बातें सामने आना शुरू हो गई और एनकाउंटर हो भी गया, और ये एक तरह का जस्टिफिकेशन था, एक तरह का न्याय था, तुरंत न्याय था, जिस तरह का कि लोगों को मिलना चाहिए था। जो लोग उससे पीड़ित थे, जो लोग उस शख्सियत से परेशान थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा न्याय था। लेकिन इस बात को अगर हम 2 मिनट के लिए साइड में रख दें और इसको इस तरीके से देखें कि उसकी मौत से फ़ायदा किन लोगों को हो सकता था। जो व्यक्ति नेतागिरी में अपनी बहुत अच्छी पहुँच रखता हो, पकड़ रखता हो, उसकी जान पहचान हो इतनी, जो कि इतने समय से हिस्ट्री शीटर होने के बावजूद बाहर चल रहा हो, आसानी से अपना काम कर रहा हो, हर चीज़ उसकी रेगुलरली जैसे चली आती है वैसी चली आ रही हो, तो ऐसे इंसान के ऊपर जब दबिश पड़ती है तो सवाल तो उठते हैं। क्योंकि देखिए जिस दिन इसके घर पुलिस वाले पहुँचे थे उस दिन भी इसको मुखबिरी की गई थी, इसको बताया गया था कि भैया पुलिस आपके घर आ रही है, तभी इस तरह का एक्शन ले पाया। मतलब
घर में तो भेदी बेहतर बैठे थे ना, और कई बड़े पुलिस अफसरों के इसमें होने की शंका जताई जा रही थी, कई बड़े नेताओं के इसमें होने की शंका जताई जा रही थी। तो ऐसे में आखिर बात यही आ जाती है ना कि जिस प्रशासन, जिस न्यायपालिका की हम लोग बात करते हैं, जिन लोगों के अंडर हम लोग हैं, जो लोग हमको, जो लोग हमारी सरकार में हैं, जो हमको बताते हैं कि भाई ये चीज़ें सही हैं, चीज़ें गलत हैं, तो ज़रूरी नहीं कि बहुत मोटे तौर पे बातें की जाएँ, लेकिन जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे वो लोग कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि विकास दुबे का नाम खुले, क्योंकि इसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। साफ साफ तौर पर चीज़ें बाहर आई हैं कि इसमें पुलिस वाले भी बहुत हद तक शामिल थे, और जिस तरीके की आवाज़ें उठाने की कोशिश करी गई हैं और उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उससे समझ में ये आता है। जैसे कि वीरदास जो है कॉमेडियन है, उनका भी आज एक बयान आया कि पिछले इस साल में 2020 में उनके ऊपर टोटल 13 मुकदमे हुए हैं सिर्फ जोक्स मारने के ऊपर। अब जोक्स हो सकता है कुछ ऐसे हो कि वो भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, लेकिन उनका कहना है कि इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्री ज़रूर है, लेकिन उसके थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तो ठीक उसी तरीके से कि ये जो लोग हैं ये लिप्त ज़रूर हैं, लेकिन एक ना एक पॉइंट पे आके इनको इनकी कीमत ज़रूर चुकानी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ सही हुआ, लेकिन जो लोग पकड़े जा सकते थे विकास दुबे के थ्रू, उन्हीं लोगों का ये किया धरा है कि आज वो पकड़ा नहीं गया। पकड़ा गया होता तो बहुत अच्छा होता, ज़िंदा रहता तो और भी अच्छा होता, और सही तरीके से अगर उससे पूछताछ की जाती तो उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। बहरहाल जो भी है हमारे सामने अब यही है, उम्मीद करेंगे कि आगे भविष्य में ऐसी कुछ चीज़ें हों तो कुछ इस तरीके के लोग हमारी सरकार में, सत्ता में हों, जो कि चीज़ों को बाहर लाने में ज़्यादा इच्छुक हों, ना कि चीज़ों को ख़त्म करने में। यानी आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।